सीधी पेशाब कांड पर फूटा जयस का गुस्सा, सैकड़ों आदिवासियों के साथ सड़कों पर उतरे जयस कार्यकर्ता, दिया धरना, फूका पुतला की फांसी की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा, SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सीधी में हुए शर्मनाक पेशाब कांड पर जयस ने सैकड़ों आदिवासियों के साथ सेंधवा में रैली निकालकर किला गेट पर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उसके बाद सीधी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का पुतला भी फूका। गुरुवार की दोपहर जयस जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी एवं कांग्रेस के नेता हरचरण सिंह भाटिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा परमार के नेतृत्व में सैकड़ों जयस कार्यकर्ता लामबंद होकर सड़क पर निकले, रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। उसके बाद किला गेट पर पहुंचकर धरना दिया, फिर सीधी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का पुतला भी फूका। जयस जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी ने बताया कि भाजपा की यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासियों पर इस सरकार में अत्याचार हुए हैं, चाहे वह मानपुर की घटना हो, नेमावर की घटना हो या नीमच की घटना हो। आए दिन आदिवासियों को मारा जा रहा है। आदिवासियों को खत्म करने की सरकार है या आदिवासियों को खत्म करने की सरकार है, लेकिन इस बार आदिवासियों की युवा टीम पूरी ताकत से भिड़ेगी और शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस धरने से हम आदिवासी मांग करते हैं कि पीड़ित आदिवासी को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तथा प्रवेश शुक्ला को फांसी की सजा दी जाए, जिससे भविष्य में इस तरह का कुकृत्य करने की किसी की भी हिम्मत ना हो। इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभद्रा परमार ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ हरचरण सिंह भाटिया भी भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। धरने में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंधवा। आज सेवा में किला गेट के सामने चक्का जाम भी किया गया, पुतला भी जला गया, क्या कारण रहा? देखो, परसों की घटना है जिसमें सीधी जिले का एक प्रवेश शुक्ला नामक विधायक प्रतिनिधि, बीजेपी का जो विधायक है उसका प्रतिनिधि है, और उसने एक लाचार आदिवासी पे पेशाब की है, तो उसके विरोध में आज पुतला दहन किया गया था और चक्का जाम करके एक विरोध दर्ज कराया है। और हमने सीधा बीजेपी सरकार पे आरोप लगाया है कि हमेशा से बीजेपी की सरकार में ही आदिवासियों पे बहुत अत्याचार हुए। मानपुर की घटना देख लो, नेमावर की देख लो, नीमच की देख लो, बिस्टान, खरगोन, आए दिन आदिवासियों को मारा जा रहा है। और ये शिवराज सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों को खत्म करने की सरकार है, और लेकिन इस बार हम पूरे आदिवासी युवा टीम पूरी ताकत से भिड़ेगी और शिवराज सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। क्या मांग करेंगे? हमने मांग की है कि जो आदिवासी था युवक, उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और सामने वाले जो प्रवेश शुक्ला है उस पर फांसी की सजा की मांग की है, ताकि आज के बाद कभी भी किसी भी समाज के साथ में इस प्रकार की कुकृत्य न किया जाए। इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज करा के मांग की है।